देखो यार कोड ऑफ आर्चर का सीजन 3 खत्म हो चुका है, अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर जाकर देखो। और मैं यहाँ पर एक्सपर्ट जरूर कर रहा हूँ कि तुमने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया तो फिर तुमने कोड ऑफ आर्चर का सीजन 3 देखकर पूरा खत्म कर लिया होगा, तभी इस वीडियो पर आए होगे। तो फिर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आखिर इसके एंडिंग में क्या क्या हुआ और क्या इसका सीजन 4 आएगा, और अगर सीजन 4 आएगा तो फिर सीजन 4 में क्या क्या बकचोदियां की जाएंगी, तो फिर इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फिर इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। तो देखो यार बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखो कोटा फैक्ट्री का जो सीजन 3 का एंडिंग है ना, सीधे उसी पर आते हैं। वहां पर क्या होता है कि हमारे जो मेंस का नहीं एडवांस के जो एग्जाम होते हैं वो हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट आते हैं जहाँ पर हमारी जो वर्तिका होती है वो कट ऑफ क्लियर कर लेती है, हमारा जो मीना होता है और मीना होती है दोनों को ही कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं, उनकी अच्छी रैंक्स आती है, और हमारा जो उदय है उसकी रैंक नहीं आती है, उसके कट ऑफ क्लियर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब खुश मिजाज है वैसा ही है। लेकिन मेन बात आती है हमारे वैभव की, वैभव का सिलेक्शन नहीं होता है, वैभव का जो है ना रैंक अच्छी नहीं आती है, कट ऑफ क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है इसके एंडिंग में। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारे जो जीतू भैया है वो हमारे एमर्स के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं और वो जा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में वहाँ पर अपना कुछ योगदान देने। तो अभी के लिए तो सीधी सी बात है कि हमारे जीतू भैया वो कोटा छोड़कर जा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनका कोई पोस्ट मिल गई है, वहाँ पर जाकर जो है ना वो कुछ चेंजेस आने की कोशिश करेंगे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोटा के अंदर। और हमारे जो वैभव है वो हो चुका है फेल, जो कि मेरे ख्याल से फेल ईयर तो नहीं कहना चाहिए, जो कि अभी तक कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन आखिर में हमें ये देखने मिलता है कि हमारे जो वैभव है वो फिर से मोटिवेट होता है और फिर से जो है वो अगले साल की तैयारी करने जाता है, और फिर से वो जो एक साल और देगा जेईई को अपने तरफ से कि वो तैयारी करके पास कर सके, कट ऑफ क्लियर कर सके। तो देखो अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर तो खत्म हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रियलिटी के साथ जो है सीजन 3 को एंड किया गया है। क्योंकि देखो आपके हर एक बच्चे को रैंक नहीं मिल सकती, हर एक बच्चा कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकता, कुछ बच्चे क्लियर करेंगे, कुछ बच्चे नहीं क्लियर करेंगे, कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे, कुछ लोग बहुत खुश होंगे, और वही दिखाया गया हमें सीजन 3 के एंडिंग में। और इसलिए मेरे ख्याल से काफी अच्छे रियलिटी के साथ एंडिंग हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीजन 4 भी आएगा, क्योंकि देखो सीजन 3 के एंड में हमें क्या पता चलता है, जीतू भैया ने जो अपनी जो ड्यूटीज वगैरह है वो किसी और को डेलीगेट कर दिए, यानी कि हमारी जो जीतू भैया है वो फिजिक्स के टीचर थे, तो फिर जो है ना अगले साल यानी कि अगले सेमेस्टर में जो है ना कोई और फिजिक्स पढ़ाने आएगा जो कि जीतू भैया की जगह लेगा, लेकिन हम शायद उन्हें एक्सेप्ट ना कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीतू भैया भले ही चले गए एजुकेशन मिनिस्ट्री में, लेकिन वो वापस लौटकर जरूर आएंगे हमारे एमर्स के पास, हमारे बच्चों के पास, क्योंकि बिना जीतू भैया के तो कोटा फैक्ट्री मेरे ख्याल से कतई नहीं चलने वाली है। इसीलिए अगर सीजन 4 आएगा तो फिर सीजन 4 के अंदर आपको फिर से जीतू भैया एज अ टीचर देखने को जरूर मिलेंगे, हालांकि और भी न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस जरूर कराए जाएंगे, क्योंकि देखो जीतू भैया ने जो अपने काम को डेलीगेट किया किसी और टीचर के साथ, तो फिर कोई और टीचर नया कैरेक्टर आएगा जरूर सीजन 4 के अंदर, लेकिन जीतू भैया भी जरूर आएंगे। और मेरे ख्याल से सीजन 4 के अंदर जो ना सबसे ज्यादा फोकस होगा वैभव के ऊपर कि आखिर अब वो कैसे फोकस करता है अपनी स्टडीज पर और कैसे जेईई के एडवांस और मेंस को क्लियर करता है, और तब जाकर जो ना मेरे ख्याल से सीरीज के एंड होगी। लेकिन अभी के लिए यही बात है, अभी तक नेटफ्लिक्स ने इसे रिन्यू नहीं किया, लेकिन हाँ रिन्यू हो जरूर सकता है। तो फिर अगर रिन्यू की खबर आएगी तो फिर आपको जरूर बताऊंगा नया वीडियो ना कर।